हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुल्यूमिनी सेंस। आज जो मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ वो तो आपने देख ही लिया है, ये है जनरल एनेस्थेटिक्स। ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी कॉलेजेस बंद हैं, और अगर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मुझे लगता है एग्ज़ाम्स की टेंशन बच्चों को हो जाएगी, तो उनके लिए ये एक बहुत ही टफ लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, और मुझे लगता है कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी मेरे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक्स जानने से पहले हम जानेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया जो टर्म है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड्स एक होता है एन, एन मतलब होता है विदाउट, और एक होता है एस्थेसिस, एस्थेसिस मतलब होता है सेंसेशन। तो ये जोड़कर क्या बना, एनेस्थीसिया। और एनेस्थीसिया का मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी सेंसेशन। इसका मतलब कि एनेस्थीसिया वो कंडीशन है जिसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में। तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या हुए, दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस एंड कॉन्शियसनेस। मतलब कि ये रिवर्सिबल लॉस करवाता है सेंसेशंस का और कॉन्शियसनेस का। रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि आप एक वक्त के बाद जाग जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं सो जाते, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, कि जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो क्या करने चाहिए, लॉस ऑफ सेंसेशन करवा देना चाहिए, कोई भी पेन टाइप की कोई भी फीलिंग सेंसेशन आपको नहीं होनी चाहिए, स्लीप प्रॉपरली रहना चाहिए, पेशेंट के अंदर एमनेसिया प्रोड्यूस होना चाहिए मींस लॉस ऑफ मेमोरी, और उसकी जो मूवमेंट है वो सब बंद हो जाने चाहिए, और इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन हो जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस जो हैं वो भी एकदम कम हो जाने चाहिए। तो ये जो है ये फीचर्स है जनरल एनेस्थेटिक्स के। अब क्यों ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो, एक मेजर सर्जरी कर रहे हो, तभी तो आपको ज़रूरत पड़ी है जनरल एनेस्थेटिक्स की। अब हम बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स सॉरी जो एनेस्थीसिया है उसकी अलग अलग स्टेजेस। तो गैडल ने 1920 में डिस्क्राइब की थी 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। 4 तरीके की स्टेजेस होती हैं एनेस्थीसिया में, जिसमें मेनली 3 को परफॉर्म किया जाता है, 4th नहीं आने देना चाहिए। तो जानते हैं कि क्या क्या होती हैं। फर्स्ट होती है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकेंड होती है स्टेज ऑफ डेलीरियम, थर्ड होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया जहाँ पर आप सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, और लास्ट होती है मेड्यूलरी पैरालिसिस। ओके, जो स्टेज हमको क्या करनी है, आने नहीं देनी है। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, मतलब ऐसी कंडीशन या ऐसी स्टेज जहाँ पर क्या होगा, एनाल्जेसिया प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिया हियर, एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द ना होना, है ना, एनाल्जेसिक्स ड्रग होती हैं आपको पता ही होगा। तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले ये जो स्टेज है ये शुरू होती है कहाँ से, जब आपने किसी को एनास्थेटिक दिया है उसके बाद से, और तब तक चलेगी जब तक कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हो जाता। इसमें पेन सेंसेशन एकदम बंद हो जाएगी, पेन बिल्कुल एहसास नहीं होगा पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट यहाँ पे कॉन्शियस रहेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसमें एमनेसिया भी डेवलप होगा। इस स्टेज के लास्ट मतलब एंड तक एमनेसिया डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 2, जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ डेलीरियम। डेलीरियम में क्या होगा इस कंडीशन में, कि जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ था वहाँ से ही शुरू होगा, और रेगुलर रेस्पायरेशन तक ये चलेगा। ये जो स्टेज है इसमें क्या होगा, पेशेंट पे एकदम से एक्साइटमेंट आएगा, और मसल टोन जो है अचानक से इंक्रीज़ होने लगेगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है, इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन हो सकता है इस कंडीशन में, और हार्ट रेट बीपी एकदम से बढ़ सकते हैं। ये जो स्टेज है इसको कोशिश की जाती है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा सा कम किया जा सके, इसको कम करने के लिए हम प्री एनेस्थेटिक्स देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेज नंबर 3, जिसको हम कहते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया। ये जो है 4 प्लेन्स में डिवाइड की गई है, प्लेन 1, 2, 3 एंड 4। प्लेन 1 में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो आईज हैं उनका रोविंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। इट मींस वो जो डीप स्लीप में आई का मूवमेंट होता है इधर उधर जाती हैं वैसा मूवमेंट। फिर इसके बाद में इस प्लेन के एंड तक क्या होगा, जो आई का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा, आई का मूवमेंट फिक्स मींस आईज जो है फिक्स हो जाएगी। फिर बात करते हैं प्लेन नंबर 2 की, प्लेन 2 में क्या होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा, लेरिंजियल रिफ्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा। कॉर्नियल रिफ्लेक्स मतलब क्या, जब
आपकी आंख पर कोई कॉटन स्वैब रखा जाएगा तो सडनली आईलिड जो है वो बंद हो जाती है, उसको हम बोल रहे हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। और लेरिंजियल रिफ्लेक्स मतलब जो लेरिंग्स और फेरिंग्स का, जैसे कि आप जानते हैं, सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा अगर आप अपने माउथ के बैक को अगर टच करते हैं तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उस एरिया को बंद करने के लिए लेरिंग्स फेरिंग्स में, तो उसको हम कहते हैं लेरिंजियल रिफ्लेक्सेस। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं दोनों ही एकदम ख़त्म हो जाएंगे। प्लेन थ्री में क्या होगा, जो पिपल साइज होगा वो एकदम से बढ़ना चालू हो जाएगा, डायलेशन चालू हो जाएगा, और फिर लाइट रिफ्लेक्स जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लाइट रिफ्लेक्स मतलब जो आई के अंदर जैसे ही आप लाइट एकदम से मारते हैं तो जो पीपल साइज होती है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी सी हो जाती है, उसको बोल रहे हैं लाइट रिफ्लेक्स। और लास्ट जो है प्लेन नंबर फोर, उसमें क्या होगा, पीपल एकदम डायलेटेड हो जाएगी, जितना ज़्यादा वाइड हो सकती है उतना वाइड, और उसके बाद इंटरकॉस्टल पैरालिसिस हो जाएगा। इंटरकॉस्टल पैरालिसिस मतलब जो इंटरकॉस्टल मसल्स है जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स जो आपकी हैं उनका पैरालिसिस, मतलब इंटरकॉस्टल पैरालिसिस। तो ये हुआ थर्ड स्टेज। लास्ट स्टेज हमारा होता है वो होता है मेड्यूलरी पैरालिसिस। इस कंडीशन में क्या होगा, पीपल साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, बीपी एकदम लो हो जाएगा और ब्रीदिंग जो है वो ख़त्म, और इसके बाद जो मतलब ब्रीदिंग जो है मतलब कम होते होते ख़त्म तक पहुँच जाएगी, और जिसके वजह से सर्कुलेशन रुक जाएगा और डेथ हो जाएगी। इनफैक्ट तो मेड्यूलरी पैरालिसिस को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो आपके ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन स्टेम का, वो आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, वहीं पे पैरालिसिस हो जाएगा। इस वजह से जो है आपका पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब मैं ज़रा कंबाइन करके इसको बात कर लेती हूँ कि समझ लीजिए, जहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ अवेक, मतलब पेशेंट अवेक है, आपने उसको एनेस्थीसिया दिया, प्रोग्रेसिव वे में स्टेज नंबर 1, 2, 3 तक रहेगा सब कुछ, और 3 में आपको क्या करना है, अपनी जो सर्जिकल एनेस्थीसिया में जो आपकी सर्जरी है उसको कंप्लीट कर लेना है, और जैसे वो कंप्लीट होगी तो अब आप राइट हैंड साइड देखिए, पेशेंट जो है उसकी रिकवरी होना चालू होगी और वो अवेक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स की। जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं इनहेलेशनल जिनको इनहेल किया जाता है, और दूसरे होते हैं इंट्रावीनस जिसको इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट जो होते हैं इनहेलेशनल, उसमें होते हैं गैशियस एंड वोलेटाइल लिक्विड। गैस के अंदर आती है नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड के अंदर आते हैं ईथर, हेलोथेन, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसीफ्लुरेन, सीवोफ्लुरेन, ये सभी क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल नेचर के, इसीलिए आप इनको इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस, इसमें दो तरीके के एजेंट्स आएंगे। फर्स्ट होंगे इंड्यूसिंग एजेंट्स। इंड्यूसिंग एजेंट्स में आप कुछ बारबिट्यूरेट्स आ जाएंगे जैसे कि थायोपेंटोन सोडियम, मीथोहेक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफोल। नेक्स्ट है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स जैसे कि डायजेपाम, लोरजेपाम, कीटामीन, फेंटेनल सोडियम, ये जो है ये सारी इंट्रावीनस ड्रग्स होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में थोड़ा सा कंबाइन करके बात करूँगी क्योंकि अलग अलग जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक साथ बात करूँगी ताकि आपको ईजी पड़े। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सबसे पहले जो दिया मतलब समझाया था मेयर और ओवरटोन, इन दोनों ने 1901 में इसको समझाया था, जिसमें उन्होंने बताया था जो गैशियस एजेंट्स होते हैं वो लिपिड और वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट पर बेस्ड होते हैं। उन्होंने समझाया था MAC के बारे में, मिनिमल एल्विलर कॉन्सेंट्रेशन, ये वो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है एल्विलाई के अंदर जिसकी ज़रूरत पड़ती है क्या प्रोड्यूस करने में, इमोबिलिटी, किसके रिस्पॉन्स में, पेनफुल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, मतलब ऐसा एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो कि पेन सेंसेशन को ख़त्म कर दे फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम कह रहे हैं मिनिमम एल्विलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये इजी था। अब ये तो हो गया, अब लेकिन किस तरीके से टारगेट पर एक्शन करते हैं ये जनरल एनेस्थेटिक्स, वो हम जानेंगे। तो जनरल एनेस्थेटिक्स के बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट होता है गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर से आप पहले ही बहुत फैमिलियर होंगे मुझे लगता है। गाबा मतलब होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ओके, तो हेलोथेन, प्रोपोफोल, बारबिट्यूरेट सभी इस पर एक्ट करते हैं। उनका क्या काम होता है, अब इसमें होगा क्या कि जो गाबा रिसेप्टर्स हैं उनमें अलग अलग बाइंडिंग साइट्स होती हैं,
ठीक है, दो अल्फा दो बीटा और एक गामा साइट होती है। तो ये जो एजेंट्स हैं ये अपनी अपनी बाइंडिंग साइट पर ऐड होंगे, मतलब अटैच होंगे। उसके बाद गाबा रिसेप्टर को ओपन करेंगे। गाबा रिसेप्टर एक तरीके का लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। जैसे ये ओपन होगा तो क्लोराइड जो आयन्स हैं वो अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे सेल के, और हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करके रिलैक्सेशन देंगे बॉडी के अंदर। जो हमारा सेकेंड टारगेट है वो होता है ग्लाइसिन रिसेप्टर्स। ग्लाइसिन रिसेप्टर्स भी कुछ हद तक जो है गाबा जैसा ही काम करते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका जो मेन काम है कहाँ कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड और मेड्यूला में रहेगा। तो हेलोथेन, प्रोपोफोल, आइसोफ्लोरेन और बारबिट्यूरेट्स जो है वो क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, ओपन करेंगे, जिसके वजह से सेम क्लोराइड अंदर जाएंगे सेल के और हाइपर पोलराइजेशन प्रोड्यूस करके बॉडी में रिलैक्सेशन करवाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है NMDA टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर। ग्लूटामेट का एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं NMDA टाइप। ये जो है ये इनहिबिट होते हैं किसके मदद से, N2 और कीटामिन के मदद से। ग्लूटामेट रिसेप्टर नॉर्मली क्या करता है, कैल्शियम चैनल की एंट्री कराता है इनसाइड द सेल, और वही कैल्शियम चैनल जो है आपके एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा या कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो भैया आप कैल्शियम चैनल्स को ही बंद कर दीजिए तो एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ प्रोसीड ही नहीं होगा या कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होंगे, तो इसलिए ग्लूटामेट रिसेप्टर को आप बंद कर सकते हैं किसके मदद से, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड एंड कीटामिन की मदद से। लास्ट होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या है, एसिटाइल कोलिन का सब के रिसेप्टर्स का एक सब टाइप है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर का सब टाइप है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या करेंगे, एक्टिवेशन कराएंगे। तो अगर आप इनको रोकना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, बारबिट्यूरेट्स दे दीजिए और कुछ सर्टेन फ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं इनको इनहिबिट करवा देते हैं। जैसे ही निकोटिनिक रिसेप्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे तो आपके जो न्यूरोनल गैंग्लिया है, गैंग्लिया पर जो आगे जाने वाला मैसेज है वो मैसेज ही कन्वे नहीं हो पाएगा आपके टारगेट ऑर्गन की तरफ। तो इस तरीके से मैकेनिज्म हो जाएगा कम्प्लीट, मीन्स जनरल एनेस्थीसिया हो जाएगा। अब देखिए ये सारे थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तरीके। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी उसमें मैं बात करूँगी स्ट्रक्चर्स की, इन सभी चीज़ों के स्ट्रक्चर की। एक्चुअली मेरा टारगेट ऐसा है कि मैं चाह रही हूँ कि फार्माकोलॉजी और मेडिकेम दोनों ही साथ में कवर हो जाए। तो आप मुझे चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हैं कि मैं इसमें आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करूँ। बाकी तो मैं बनाऊँगी ही अपने हिसाब से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।